कर रहे हैं हेलो। थोड़ा तो सी जॉब हेलो मिल जाए। एथिस्ट कम्युनिटी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, प्लीज जी बढ़िया। जी आ रही है। पहली मर्तबा मेरा स्पार्टिकस आपके साथ जो है ना, मैं लाइव आया हूँ। तो दो मर्तबा मैं मोमिन, एज ए मोमिन हारिस के साथ स्ट्रीम पे गया था, और एक मर्तबा जो है ना गालिब के पास मैं स्ट्रीम पे गया था एज एन एथियस्ट। उसके बाद मैं रुस्तम शाह जी के भी स्ट्रीम पे गया था, वहां पर सुल्तान मैम भी थी उस टाइम। तो इस अरे टाइम आपके मैम साथ मुझे फर्स्ट है, याद है आपको याद है ना? जी। तो आपके साथ स्पार्टिकस फर्स्ट है। तो मैं अब थोड़ा सा अपना वो बता दूं, इनको तो पता ही है, मैं ये बताना चाहता हूं कि शुरू शुरू में जब मैं बात हारिस को सुनता था ना। कास्टिज्म जी नहीं, कास्टिज्म के पाकिस्तान अलावा से, कोई बात पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। नहीं, मैं पाकिस्तान से हूं। मैं, मेरी एज इतना है ही नहीं, मैं इन चीजों को, मतलब पॉलिटिकल चीजों को समझता ही नहीं। मैं 17 साल का हूं इस टाइम। अरे वाह बच्चे, जी तो मैं जब शुरू में हारिस साहब को सुनता था, मुझे इतना, मैं शुरू शुरू में, मुझे अपीज करते थे कि वो रैशनल बात करते हैं, लेकिन गालिब मुझे इतना अपीज नहीं करते थे। मैं समझता था कि ना गालिब जो है ना, पता नहीं ये क्या बात करें, ये इमोशनल बातें करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं तो आफ्टर दी डेथ ऑफ माई आपको मदर, आफ्टर दी डेथ ऑफ माई मदर, जब मैं मेंटली इल हुआ, तो तब मुझे उनकी इमोशनल जो वीडियोस थी, कभी जो वो राइट करते थे ना इन चीजों पर, जैसे कि गुलामी हो गई, इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, तो वो मुझे बहुत अपीज करती थी। आजकल जिस तरह सुल्तान मैम बना रही हैं, आजकल जिस तरह आयशा पर स्टोरी आती है, इन चीजों की मुझे बहुत पसंद आती है। थैंक यू बेटा, तो थैंक यू अच्छा सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। अच्छा क्वेश्चन उस आपका। टाइम जो है ना, मैं थोड़ा सा बस बयान कर दूं, उसके बाद मैं हाँ चलता हूँ बोलिए। क्वेश्चन की तरफ अपने। तो उस वक्त जो है ना, मुझे ये दोनों पसंद आते, लेकिन स्पार्टिकस जो है ना, इनसे मुझे चिढ़ होती थी। मैं कहता था भाई ये इस्लाम को क्यों गाली निकालते हैं, इस्लाम को क्यों अरे गाली वाह, निकालते हैं। तो बहुत अच्छा, अच्छा मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि तो मुझे ठीक पहली दफा कोई आकर, वो कमेंट्स में तो मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मुझे पहली दफा वो लाइव कॉल पर मुझे आके बैठ बात कर रहा है कि यार आप मुझे जहर लगते हैं। बहुत अच्छा लग हाँ रहा है नहीं, मुझे सुन उस वक्त के। लगते थे, नॉट नाउ, नॉट नाउ, अभी कहानी चल रही है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर बाकी है, क्लाइमेक्स आया ही नहीं अभी तक। तो उस वक्त मुझे ना बहुत गंदा लगता था, बहुत बुरा लगता था। मुझे स्पार्टिकस की कोई स्टोरी पता नहीं थी। जब मुझे स्पोर्ट स्टोरी आपकी पता चली, मैंने आपकी स्ट्रीम देखी हारिस के साथ, आई वॉज वेरी शॉक्ड। और कोई माने ना माने, मैं बहुत रोया उस दिन, बहुत रोया मैं उस दिन। तो उस दिन मुझे समझ आया स्पार्टिकस ऐसा क्यों करता है। उसके बाद जिस तरह आगे बंदा चलता जाता है, तो मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी एक नौजवान हूँ, इस टाइम मैं नौजवान हूँ, तो मुझे बड़ा दिल करता था, बड़ा दिल करता था कि मैं ना दबा के गालियां दूं, सबके सामने दूं। लेकिन मुझे ना रुस्तम शाह जी की ना एक चीज याद आती थी, इन्होंने मुझे कहा था कि आपने किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करनी, तो मैंने इसे पले बांध लिया था। अब मैं क्या करता था, अब ये बहुत ही मजे की बात है, मैं क्या करता था, जिस वक्त मुझे कोई नमाज के लिए तंग करता था ना, नमाज में जाके मैं वो गालियां देता था, वो गालियां देता था, अपने आप को बिल्कुल पुरसकून करता था। तो मुझे, अच्छा मुझे ये बात पता नहीं थी, ये मैंने खुद ही डिडक्ट की थी। एक दिन मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आपने एक 16 साल के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को भी ये वो की थी कि ऐसा किया करें जब आपको गुस्सा आए। जी मेरा बच्चा, मैं थैंक यू नान, जो मुझे, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सो मच फॉर दी अप्रिसिएशन। इसमें कोई शक नहीं है कि वो सिर्फ एक एक नहीं, मेरे साथ व्हाट्सएप पे और ईमेल्स वगैरह में काफी सारे ऐसे आपकी एज के बच्चे जुड़े हुए हैं। एक पाकिस्तानी हॉस्टाइल किस्म की सोसाइटी में, जहाँ पर रिलीजन ही सब कुछ होता है, और खास तौर पे अगर आप केपीके की साइड से हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट और ज्यादा हो जाती हैं। जहाँ पर आपको मदरसा जाने के लिए फोर्स किया जाता है, जुम्मे की नमाज के लिए फोर्स किया जाता है, आप नमाज नहीं पढ़ते, जमात के साथ नहीं पढ़ नमाज पढ़ते, अब आपके ऊपर बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बच्चे जीते रहो, सलामत रहो। अच्छा अच्छा अब मैं ना, मैं एक थोड़ी मिनट सी, बेटा, मैं बेटा मिनट बेटा मुझे कंक्लूड करने दो, अच्छा उसके ठीक बाद है सर। मैं चाहता हूँ कि आपकी बात के ऊपर जो है वो रुस्तम शाह जी का भी और सुल्तान सलातीन जी, दोनों जी का, मैं जी, इनका इन कमेंट इन्हें मैंने लेना अपनी चाहूंगा। स्टोरी सुनाई थी, मे भी इन्हें याद हो, ये जरूर कमेंट कर सकते हैं। अच्छा मैं आपसे एक चीज कहना उन चाहता हूँ दोनों कि को मुझे लगता है कि याद मुझे कोई एडवाइस करनी हो तो प्लीज कर दें, उसके बाद मैं अपनी थोड़ी सी बात रख के क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। है। जी क्वेश्चन रखें, आप क्वेश्चन पहले रखें।
क्वेश्चन क्वेश्चन मैं आपसे रख देता हूँ। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि ना, मैं एक चीज ये बस बयान कर दूं, ये लोग कहते हैं कि ना कोई, यानी कि दिल करता है ये फ्री होना चाहते हैं लोग, इस वजह से एथिस्ट बनते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इतना ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन आपके आपके ऐसे, एक मिनट रुको, मैं जिस घर में पैदा हुआ था ना, तो मेरी दो बहनें हैं, ठीक है, और मेरे तीन भाई हैं। लेकिन हमारे घर में जो अंडे बॉयल होते थे ना, जब सुबह हमने स्कूल जाना होता था, तो पांच बहन भाई हैं, अंडे पांच बॉयल होने चाहिए थे, लेकिन अंडे चार बॉयल होते थे। तीन भाइयों को मिलते थे पूरा अंडा, और एक अंडा जो है वो बहनों में डिवाइड होता था। ये मैं बात कर रहा हूं जब मैं कुछ सात आठ नौ साल का था, और मुझे ये चीज समझ नहीं आती थी कि मेरी बहनों को के साथ जो है वो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है। फिर मुझे समझाया जाता था कि बेटों ने ही जो है वो घर चलाना होता है, उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, उनको उनसे ही खानदान चलता है। बेटियां तो मैं बयान ही नहीं कर सकता कि किस तरीके की जो है वो बच्चे डिस्क्रिमिनेशन होती थी, जिस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहता है ना कि हादसा एकदम नहीं होता, सदियां लगती है इसको पनपने में। तो मैं अगर एथियस्ट बना हूं, मैंने मजहब को छोड़ा है, तो मैंने वो कोई एकदम नहीं छोड़ा कि अच्छा मैंने हारिस की वीडियो देख ली या किसी की वीडियो देख ली और मैंने मजहब को छोड़ दिया। मैंने सालों ऑब्जर्व किया और सालों ऑब्जर्व करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी जो मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, इस्लाम कभी भी उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सकता। मेरी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या है? मेरी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल बेसिक्स हैं, और वो जेंडर इक्वालिटी पे बेस करते हैं, जहां पर मेरी बहन को इसलिए इज्जत ना दी जाए कि वो मेरी बहन है, जहां पर मेरी माँ को इसलिए इज्जत ना दी जाए कि वो मेरी माँ है। औरत को, फीमेल को सिर्फ इसलिए इज्जत दी जाए कि वो औरत है। माँ, बहन, बेटी, बीवी के नाम पर ना दी जाए। लेकिन अगर आप रिलीजन को देखें तो रिलीजन आपको ये सिखाता है, ओ फलाने की बहन है उसकी इज्जत करो, वो माँ है उसकी इज्जत करो, वो बीवी है उसकी इज्जत करो, वो बहन है उसकी इज्जत करो। ये कंडीशनल इज्जत जो है वो इज्जत नहीं होती। सुल्तान सलातीन जी, कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इट्स अ वेरी हार्ड टॉपिक। जो आप ये बहनों की बात कर रहे हैं, मेरे मैं बहुत सारे बच्चों को मिली हूँ और ये सारी चीजें देखती हूँ, और बहुत सारी चीजें इस तरह की मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं और ऐसे चीजों पे काम भी किया है। तो मेरे लिए ये बहुत इमोशनल टॉपिक है। बच्चियां जो कि मेल न्यूट्रिशन का शिकार होती हैं, जिनके साथ हमारे यहाँ एक तो बच्चों को वैसे भी उनकी कोई आवाज नहीं होती, तो उनको दबा दिया जाता है, उनके सवालों को दबा दिया जाता है, उनके हर तरह के एतराजात को दबा दिया जाता है। तो वो मैंने पहले भी कहा था, मेल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ होती है। तो आप देखें कि बच्चियां अगर कंप्लेन करती हैं इवन अबाउट सेक्सुअल अब्यूज, तो उनको कोई सुनता नहीं है कि तुम गलत कह रही हो, तुम ये कह रहे हो, तुम्हें ऐसी वहम होगा और ये होगा। तो बहुत सारे चीजों में बच्चियों के साथ नाइंसाफी होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं तो एक एथियस फैमिली में चलो पैदा हुई, बट आई वॉन्टेड टू बी अ बॉय बिकॉज आई फेल्ट द प्रेजुडिस इन द सोसाइटी। लड़के हैं यार, वो तो कुछ भी कर लेते हैं, किसी भी वक्त बाहर निकल जाते हैं, दुपट्टे नहीं पहनने, ये नहीं करने। मतलब माशरे में कितनी उनको आजादी है कि कोई पूछता नहीं है। मेरा भाई अगर सिगरेट पीता है बाहर जाके तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, अगर मैं सिगरेट हाथ में पकड़ लूंगी तो एक कयामत आ जाएगी। तो वो जो प्रेजुडिस होते थे ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता था उसके ऊपर। एंड आई वाज नॉट, मेरे ख्याल में शायद वो मंटो जी ने कहा था कि सिगरेट पीने से मर्द के फेफड़े खराब होते हैं और औरत का किरदार। बिल्कुल। तो ये
चीजें हैं, तो मुझे तो इस पे बड़ा गुस्सा चढ़ता था और मैं कहती थी कि ये कितना प्रिविलेज्ड एक विंटेज पॉइंट होगा कि आप आदमी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अफेयर्स भी हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी, आप बाहर भी जाएं तो किसी भी वक्त रात के 2-2 बजे तक बाहर घूम रहे हो, आपको कोई, मुझे ये नहीं अंदाजा था कि उस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या है। मैं हारिस से मैं बात जब कर रही थी तो मैं ये कह रही थी कि हमारे यहाँ आदमी को ना एक जानवर बना दिया गया कैटेगोरिकली, कि उसको उसको अपनी नफ्स पे काबू नहीं है, उसको ये नहीं है, वो औरतें लॉलीपॉप है और आदमी जो है वो जानवर है, कि वो जो मतलब कंट्रोल बिखरा हुआ एक जानवर है, सांड है, उसको कोई कंट्रोल नहीं है, वो गुस्से में रहता है, वो तमीज से बात नहीं करता, वो घर में उसके कोई एहसासात नहीं है, वो रो नहीं सकता, वो ये नहीं कर सकता। हमारे यहाँ आदमी को बेसिकली एक मॉन्स्टर बना दिया जाता है हमारे कल्चर में। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरी पहली कोशिश यही थी, आई हैव टोल्ड हिम कि तुम रो सकते हो, रोने से कोई जेंडर चेंज नहीं होता, तुम्हें गुड़ियों से खेलना पसंद है, तुम गुड़ियों से खेलना, तुम्हें जो करना है करना अपनी लाइफ में, तुम बस खुश, तुम्हारी खुशी जिस चीज में होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ उस मामले में। करो।